श्री हरनाथ सिंह यादव। कमेटी में कैसा काम है मैं जानता हूँ। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जनहित से जुड़े एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दे की तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधान देश के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं, क्योंकि वह न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अहमियत को बाधित करते हैं बल्कि देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को भी विघटित करते हैं। महोदय, देश भर के सभी 32 वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय के होते हैं। उन बोर्डों के वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा इतनी शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दें तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और उनके उस दावे को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। महोदय, उदाहरण के लिए आप झुंझुनू जिले से आते हैं, यदि आपके मकान या कृषि भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर दे तो आपके पास किसी न्यायालय में भी जाने चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आपको केवल उस बोर्ड के सामने पेश होना होगा जिसने आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर आपकी जमीन छीन ली है, अर्थात चोर, थानेदार तथा न्यायाधीश की सभी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं। मानवर एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है, जिसमें पीड़ित पक्ष से किसी अदालत में चुनौती देने के अधिकार को भी छीन लिया गया है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है तिस चेंथरई। बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को, जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था, उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के दुरुपयोग का यह जीता जागता उदाहरण है। प्लीज महोदय, एक देश में दो विधान नहीं हो सकते। यह एक्ट देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता व श्रेष्ठता के खिलाफ है। देश में अलग